अस्सलामुअलैकुम जनाब दौलत खान साहब चमन से। सर ये आपका 192 एक कैपेसिटी एसीडीसी ड्यूल सप्लाई इंक्यूबेटर रेडी है कार्गो के लिए। सिंगल पोर्शन सिर्फ आप चलाना चाहें सिंगल भी चला लेंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा माशाल्लाह से। ये देख लें जनाब इसका ये ऊपर वाला एसेसरीज देख लें साथ, माशाल्लाह से मुकम्मल एसेसरीज के साथ है ये। जो पोर्शन आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें सिर्फ उसी पोर्शन को इस्तेमाल करें, इसी तरीके से आप ट्रे और कार्टन हटा लेंगे। ये देख रहे हैं जनाब मैं आपको सारा तरीका समझा देता हूँ। ठीक हो गया, ये पोर्शन भी हमारा हट गया और उसके बाद ये पोर्शन भी हमारा हट गया और उसके बाद ये हमारा लास्ट बेसमेंट पोर्शन है। अगर आपके पास अंडे कम हैं सिंगल ट्रे आप यूज़ कर लें, जस्ट इस पे रखें ये चीज़। ठीक हो गया, इस पर थर्माबॉल रख लें और सिंगल जो है आप वो चला लें, इसको लाइट चला दूँगा। ठीक हो गया जनाब, अब मिसाल है कि आपके पास आपने करना क्या है, सिर्फ ये इसके साथ अटैच करना है और नीचे डोनट ह्यूमिडिफायर होगा वो अटैच करना है। अच्छा अब आपके पास आ गए, मिसाल दे रहा हूँ जनाब के अंडे ज़्यादा ज़्यादा से मुराद कितने के, दो ट्रे होगी। ठीक हो गया जी, इस ट्रे को इस जैक को आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, बिल्कुल इसका बैलेंस कर लेंगे। ये इसका बैलेंस हो गया, ये आपकी दो ट्रेज के अंडे हो गए। उसके बाद तीनों ट्रे चलाना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे रख के बैलेंस करेंगे। ये देख लें इस तरीके से, जैकों के कनेक्शन आपने सिर्फ करने होंगे और कोई परेशानी नहीं है आपको। ये रबड़ वगैरह लगे हुए हैं ये भी उतार देंगे। ये आपके जनाब अब आ गए तीनों पोर्शन, ये देखें मुकम्मल एसेसरीज, एसी डीसी केबल। ये एसी डीसी केबल बिजली बैटरी पर चलने के लिए, ये इसकी ग्रारी हैं, गियर्स हैं इसके। ट्रे अगर किसी वैसे काम करना छोड़ दे तो सिर्फ ग्रारी का मसला आता है, कोई मसला नहीं होता। और ये जनाब आपका ओवरऑल फुल इंक्यूबेटर हर साइड से बैलेंस हो गया, बिल्कुल सही बैठ गया। ये देखें जी, ये देखें जनाब, ठीक हो गया जी। एक चमन के लिए कार्गो के लिए रेडी है। बहुत शुक्रिया हमसे परचेजिंग करने का, जजाकल्ला खैर।